हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है। आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स से पहले तक आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्या स्ट्रैटेजी अप्रोच कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रीलिम्स के 2-3 महीने से पहले आपको पूरा फोकस आपका सिर्फ प्रीलिम्स पे हो जाता है कि हम मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिवाइज करेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स का रिविजन करना है। सो आपके पास अभी आई थिंक हार्डली 3-4 महीने बचे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल को या किसी भी ऑप्शनल को फिनिश करने के लिए। साथ में कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हो, क्या आपको कोचिंग नोट्स फॉलो करने हैं या आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी है, रिवीजन प्लान कैसे बनाओगे, आई टेल यू अबाउट बोथ। डे टू डे रिवीजन प्लान आप कैसे बना सकते हो और इसके साथ में आप मंथली रिवीजन प्लान कैसे बना सकते हो, वीकली या बाई वीकली रिविजन प्लान कैसे बना सकते हो, एंड ऑल्सो हाउ टू मिनिमाइज द टाइम एवरी टाइम यू रिवाइज। अगर आपको पहला रिवीजन करने में 5 घंटे लग रहे हैं तो अगला रिवीजन करने में आपको 4 घंटे लगने चाहिए, फिर 2.5 घंटे लगने चाहिए। दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ इट। और आप कैसे, आप पूरी बल्क बुक को तो रिवाइज कर नहीं पाओगे, सो हाउ टू मैनेज योर रिवीजन। एंड देन वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन विच कम इज हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। एक बहुत फियर रहता है एस्पिरेंट्स में कि समझ नहीं आ रहा आंसर राइटिंग कैसे करें। आपने पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया है माउंटेन बिल्डिंग का, बट वेन द क्वेश्चन ऑन द माउंटेन बिल्डिंग कम्स यू आर स्केर्ड कि उसको 250 शब्दों में उसे कैसे फिनिश करें। सो विल टॉक अबाउट आंसर राइटिंग ऑल्सो। वेल फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी नीड टू टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। हर एक एस्पिरेंट का कुछ वीकनेस होगा, कुछ स्ट्रेंथ होगा। यू हैव टू लुक इनटू योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, फॉर मी जियोमॉर्फोलॉजी द फिजिकल पार्ट इज़ वेरी इजी, बट द सोशल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी इज टफ। आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे कवर करूँ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कैसे कवर करूँ। सो फॉर मी माई मैक्सिमम टाइम वेंट इन टू प्रिपेयरिंग द ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी ये सब मुझे काफ़ी इजीली हो गया था। सिमिलरली आपकी कुछ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ होगी, सो यू हैव टू लुक इन टू योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। बट स्ट्रैटेजी के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू लुक इन टू सिलेबस। सिलेबस को एक बार देखो। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 को कंपेयर करोगे, जिसके बारे में हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी एक वीडियो डाला है कि आप पेपर 1 पेपर 2 को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, इस इंटीग्रेशन के अंदर यू विल सी कि एक्चुअली आपके पास 10 ही चैप्टर्स हैं। इन 10 चैप्टर में जब आप पेपर 1 के टॉपिक्स करते हो, सिमिलरली उसी में आपके पेपर 2 के टॉपिक्स हो जाते हैं। जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हो तो उसके साथ में आप इंडिया की फिजिकल सेटिंग भी बात करोगे। जब आप वर्ल्ड एग्रीकल्चर के बारे में बात करोगे तो उसके साथ में आप पेपर 2 में जो एग्रीकल्चर का पूरा टॉपिक है इसके बारे में बात करोगे। सो यू हैव टू मेक अ प्लान लाइक दिस। हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो शेड्यूल हम हमारी क्लास में फॉलो करते हैं, दैट आई विल ऑल्सो गेट अपलोडेड, सो यू कैन सी इफ इट मैचेज यू, यू कैन take it also as your reference point. Then you have to make a schedule. देखो, सिर्फ planning करना is not going to make you reach here. You have to stick to your schedule, you have to stay disciplined. There would be days when you would not feel like studying at all, and these are the days when you have to stay disciplined. Motivation is not for every day, it is the discipline which is for every day. So आप एक शेड्यूल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, फिक्स ए टाइम टेबल। अगर आपको दिन में 4 से 6 घंटे या फिर 7 घंटे जितना भी आप डिवोट कर सकते हो, जिसमें एक्सक्लूडिंग योर करंट अफेयर रिविजन, आपका न्यूज़पेपर स्टडी, आपका GS स्टडी, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करके अगर आप 6 से 7 या 4 घंटे जितने भी आप डिवोट कर सकते हो, बट स्टे कंसिस्टेंट टू दैट, स्टे वेरी वेरी कंसिस्टेंट टू दैट। अगर आपने डिवोट कराए कि आप सुबह 6 से 9 बजे तक ऑप्शनल पढ़ोगे, तो आप 6 से 9 तक अपना फ़ोन साइड में रख के, अपना कॉपी पेपर पेन बुक लेके आप ऑप्शनल की स्टडी करोगे, ठीक है। एंड देन स्टे डिसिप्लिन। एज आई सेड, देर आर डेज जब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा टेबल पर बैठने का, देन यू हैव टू पुश योर सेल्फ, लुक फॉर योर गोल दैट यू आर गोइंग टू गेट योर नेम इन दैट PDF, मोटिवेट योर सेल्फ। मोटिवेशन नहीं भी आता है, फॉलो द डिसिप्लिन, फॉलो द 5 मिनट रूल। एक 5 मिनट का रूल बोलता है कि इफ़ यू डोंट लाइक स्टडिंग समटाइम्स, तो जस्ट से योर सेल्फ कि मैं 5 मिनट में ये 5 पेज या ये कुछ पोर्शन खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद में बाद में देखते हैं। सो वंस यू सिट ऑन द टेबल, वंस यू स्टार्ट स्टडिंग विदाउट द डिस्ट्रैक्शंस, कीप योर फोन अवे, कीप योर सोशल नेटवर्क अवे, उसके बाद में आप देखो कि धीरे धीरे आपका मन करने लगेगा, धीरे धीरे यू विल लाइक कि चलो 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, एंड यू वुड सी कि जस्ट यू जस्ट फॉलोड द इंस्टिंक्ट एंड नाउ
यू हैव फिनिश्ड योर टॉपिक. सो देर आर मल्टीपल मेथड जिससे आप डिसिप्लिन रह सकते हो, अपने शेड्यूल पे स्टिक रह सकते हो. स्ट्रैटेजी इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ प्लान, ए डिटेल्ड प्लान, डे बाई डे ये करेंगे वो करेंगे. फॉलोइंग द प्लान इज ऑल्सो अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी. ठीक है, एंड देन कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द बुक लिस्ट. सबसे पहले सिलेबस आपको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा. बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो सिलेबस नहीं पढ़ते हैं बट सीधा कोचिंग के नोट्स उठाए और किसी भी कोचिंग के नोट्स उठाए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया. आपको जब पता ही नहीं है कि आप सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, पेपर वन पेपर टू किस तरीके से इंटरलिंक करा हुआ है, आप ज्योग्राफी में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उस तरीके से आंसर लिख के आओगे और आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो यू हैव टू सी द सिलेबस, टेक अ प्रिंट आउट, स्टिक टू योर वॉल एंड जस्ट रीड इट एवरी सिंगल डे. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्टार्ट विद एनसीईआरटीज. अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल, ज्योग्राफी के अंदर ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आपने पढ़ी है देन देर इज़ नो नीड. बट अगर आप नए हो, जैसे कि आई वॉज न्यू, सो आई स्टार्टेड विद द एनसीईआरटीज. इन द एनसीईआरटीज ऑल्सो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम ईदर 6th to 12th और यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 9th to 12th. 9th to 12th तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज हैं, इसको तो आपने अगर पढ़ा भी है तो भी यू शुड नॉट मिस. GS में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी आपको केस स्टडीज़ के लिए, एग्जांपल्स के लिए, डायग्राम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, पर्टिकुलरली इनटू द पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी. फॉर दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन प्रीलिम्स में भी आपकी एनसीईआरटीज बहुत काम आती हैं. सो यू हैव टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटीज आर नॉट सफिशियंट. अच्छा, स्ट्रैटेजी में देर इज़ वन थिंग विच आई स्किप सेइंग कि आपके पास अभी देखो लेट्स से कि नवंबर हाफ चला गया है. सो यू हैव नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी. वी आर टेकिंग इट लाइक 3.5 months. लेट्स टेक इट एज अ 3.5 months. 3.5 months में भी लेट्स टेक इट एज 110 days. माना कि कुछ दिन आपने छुट्टी ले ली, आपका मन नहीं करा, या आप अगर 100 days भी लेते हो, लेट्स टेक इट एज 100 days ओनली. इन 100 days में अगर आप डेडिकेटेडली 6 to 7 hours स्टडी करते हो, विच मीन्स यू आर स्टडिंग फॉर 600 to 700 hours, राइट? 600 to 700 hours बहुत होते हैं. इट्स अ प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू फिनिश योर ऑप्शनल इफ यू स्ट्रेटेजाइज वेरी नाइसली, इफ यू स्टे कंसिस्टेंट टू इट. सो आपको प्लान करना होगा. सी, एवरी टाइम काउंट हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक, हाउ मच टाइम आई कैन फिनिश इट इन टू. ठीक है, तो उससे आपकी स्ट्रैटेजी बहुत इफिशियंट होना स्टार्ट हो जाएगी. सो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. अदरवाइज इन द लास्ट आई हैव अवर ईमेल आई डी ऑल्सो. अगर आपको स्ट्रैटेजाइज करने में कुछ भी दिक्कत होती है, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अस ए मेल. ओके, सो दैट वॉज समथिंग आई मिस्ड इन टू स्ट्रैटेजीज. नाउ कमिंग टू द स्टैंडर्ड बुक्स. नाउ सी, अगर आप सिलेबस देखोगे तो हमारा जो सिलेबस है वो पेपर वन एंड पेपर टू में डिवाइडेड है. पेपर वन में दो पार्ट में डिवाइडेड है ये, फिजिकल ज्योग्राफी एंड पार्ट टू हमारा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी का. फिजिकल ज्योग्राफी में हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की, हम बात करते हैं बायो ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी की. वी ऑल्सो टॉक अबाउट द ओशंस. ये पांच मेजर पोर्शन हैं. इन पांच मेजर पोर्शन का एक चैप्टर पेपर टू में दिया हुआ है इंडिया. फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल सेटिंग करके, इसी में आपका मोस्टली ये कवर हो जाता है. बाकी के जो चैप्टर हैं वो मेजर ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट बनते हैं. अब ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारा पोर्शन आता है पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. ठीक है, फिर आती है हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी. इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम बात करते हैं जनरली इंडस्ट्रीज की, एग्रीकल्चर की, रिसोर्सेज की, इन सब की. और इन सब के ऊपर सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी यहाँ से पेपर टू में डिवाइडेड है लगभग चार पोर्शन के अंदर. हम इसमें एग्रीकल्चर की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं जिसमें दोनों हम बायोटिक रिसोर्सेज या बायोटिक रिसोर्सेज सबकी बात करते हैं. देन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज, वी टॉक अबाउट द ट्रेड एंड कम्युनिकेशंस के बारे में बात करते हैं. तो काफ़ी सारे टॉपिक पेपर टू में कवर हो जाते हैं. देन हियर वी हैव द रीजनल प्लानिंग ऑल्सो. जब हम यहाँ पे रीजनल प्लानिंग करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, सिमिलरली हम पेपर टू का रीजनल प्लानिंग करते हैं. देन वी हैव द मॉडल्स एंड थ्योरीज. मॉडल्स एंड थ्योरीज सेग्रीगेटेड हैं. इंडस्ट्रियल का इंडस्ट्रियल के साथ करते हैं, एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर के साथ करते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू स्ट्रेटेजाइज इट. एंड अब स्टैंडर्ड बुक्स में देर इज टू पॉइंट कि इधर शेल यू फॉलो द कंप्लीट कोचिंग नोट, कि आप किसी भी कोचिंग के नोट उठा लो और आप उसको करना स्टार्ट कर दो. आई वुड नॉट से सो.
क्योंकि वो नोट ऑलरेडी किसी ने स्टैंडर्ड बुक्स को समराइज करके लिखा हुआ है. अब आपको नहीं पता कि उसने किस माइंडसेट से उस बुक को समराइज करा और किस तरीके से उसने लिखा है. अगर आपने खुद ने कोचिंग अटेंड करी है तो फिर आप उसे समझ सकते हो, बट आपने कोचिंग अटेंड नहीं करी है एंड यू आर पिकिंग समबडी एल्सिस नोट्स, आपको वो इतना बेनिफिशियल नहीं होंगे. रेदर टेक इट एज अ रेफरेंस पॉइंट. जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर आप इरोजनल थ्योरीज पढ़ रहे हो जियोमॉर्फोलॉजी में, अब आप इस नोट को जो कोचिंग के नोट्स हैं इसको रेफरेंस रखो, बट ये इरोशनल थ्योरी आप जियोमॉर्फोलॉजी के सविंद्र सिंह में से भी फटाफट से क्विकली पढ़ो. देखो पहले सविंद्र सिंह में से स्टैंडर्ड बुक में से पढ़ो एंड देन सी कि अच्छा इस नोट में क्या मुझे सब समझ आ रहा है, क्या मैं कुछ और पॉइंट इंक्लूड कर सकता हूँ, तो आप इसमें इंक्लूड कर लो. यू कैन टेक इट एज अ रेफरेंस पॉइंट एंड यू कैन मेक एड योर ओन पॉइंट्स इन टू दैट. उसमें पॉइंट्स ऐड करो सो दैट दीज नोट्स बिकम योर ओन नोट, नॉट समबडी एल्सिस नोट्स. सो दैट इज वन स्ट्रैटेजी. आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और आपके नोट्स कंसोलिडेट होते रहेंगे. ठीक है, अब स्टैंडर्ड बुक्स में क्या क्या फॉलो करना है. जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने बताया कि ये पांच टॉपिक है हमारे. इन पांचों टॉपिक में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन हमारा सविंद्र सिंह से कंप्लीट हो जाता है, बट इसके अलावा भी दो बुक हैं. एक तो एलन स्ट्रॉलर की इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी एंड आर बी बुनेट की फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम, और रिचर्ड की बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की रूपा मेड सिंपल पब्लिकेशन की, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. दिस कंटेंट वाइज दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक. डायग्राम वाइज फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम बुनेट की बुक एंड इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी एलन स्ट्रॉलर की बुक बहुत ही अच्छी बुक है. जनरली एज अ ट्रेंड हम सविंद्र सिंह की बुक फॉलो करते हैं जो कंटेंट वाइज इज सफिशियंट फॉर यूपीएससी, बट देन यू डोंट हैव टू रीड इट कम्प्लीटली. अगर आप एक किताब देखोगे तो काफ़ी बड़ी बंच बुक होती है ये, मतलब इट्स आई थिंक 4-5 किलो की किताब होगी ये इकलौती. इतना नहीं पढ़ना होता है क्योंकि ये जनरली पीएचडी या पीडीएफ स्टूडेंट्स के लिए होती है. बीइंग एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट यू हैव टू सेलेक्टिव, यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव इन टू वॉट यू रीड, राइट. सो दीज आर बुक्स. अच्छा, अब ये बुक्स क्या परचेज करनी है, परचेज करने की जरूरत नहीं है, उनके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप पीडीएफ ले लो. और अगर आप आई थिंक आजकल लैपटॉप या आईपैड ऑलमोस्ट सबके पास होता है तो आप उसमें से एज अ रेफरेंस पॉइंट इसको देखो, या फिर आप एक ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर लो जिसके अंदर इन सारी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ाया जाता है. ठीक है, ओके. कमिंग टू द सेकंड पार्ट विच इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी में माजिद हुसैन सबसे अच्छी बेहतरीन बुक आती है जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी को कवर कर लेती है. इसके अलावा जो परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है इसके लिए आपको अलग से बुक पढ़ना पड़ेगा. तो आप या तो आरडी दीक्षित पढ़ सकते हो या सुदीप्ता अधिकारी पढ़ सकते हो, दोनों ठीक है, पर दोनों को साथ में मत पढ़ना, इनमें से कोई एक बुक पढ़ना. जनरली आर डी दीक्षित को ज़्यादा प्रिफर करा जाता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल है. देन फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी जिसमें हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन ये सब आता है, उसके लिए आप रूपा मेड सिंपल की इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी की बुक को भी रिफर कर सकते हो. माजिद हुसैन की ये बुक बहुत अच्छी है, इसे आप परचेज कर लीजिए. ये आपको पेपर वन एंड पेपर टू दोनों में बहुत हेल्प करेगी. सुदीप्ता अधिकारी से अच्छी है कि आप आर डी दीक्षित को ले लो. दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, बट इट इज़ अप टू योर चॉइस विच यू वॉन्ट टू प्रिफर. जनरली बहुत सारे टीचर्स भी जो होते हैं वो दीक्षित को ही प्रिफर करते हैं. देन दिस बुक ऑफ रूपा मेड सिंपल इज़ वन ऑफ द अगेन बेस्ट बुक्स. रूपा मेड सिंपल की दोनों किताबें फिजिकल ज्योग्राफी की एंड इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी की सबसे बेहतरीन 5-स्टार बुक्स हैं. इनका कंटेंट वाइज कोई तोड़ नहीं है. सो दीज आर द बुक्स यू कैन रिफर. अब पेपर टू में आपका, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्लेरिटी वाला, ये इन बुक से कवर हो जाता है, या फिर जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी की ये बुक्स देखी थी इनसे कवर हो जाता है. अब इंडिया के रेफरेंस में हमें पेपर वन में जो भी पढ़ा है उसको इंडिया में ले जाके हमें उसको एप्लीकेशन बेसिस पे देखना होता है. तो उसके लिए दो किताबें आती हैं, तो माजिद हुसैन की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आती है और एक आर डी खुल्लर की इंडिया ए कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी आती है. दोनों किताबों में से कोई एक, इधर दिस और दिस, कोई भी एक किताब आप रिफर कर सकते हो. दोनों किताबें ऑलमोस्ट इक्वल है, कंपैरिजन दोनों में है नहीं. एंड देन अगर आप पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आप देखोगे कि मोस्टली पेपर टू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो जीएस में आना चाहिए था, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल में कैसे आ गया है. बट दैट इज़ द ट्रिक हियर. एक्चुअली वो जीएस का उनके लिए है जिनका ऑप्शनल है नहीं. आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, सो यू आर ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल मेकिंग सम मैप्स, पुटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ सम लोकेशंस, गिविंग सम केस स्टडीज, गिविंग सम फैक्चुअल डेटा, मेकिंग इट लुक लाइक अ विजिबल एफर्ट. तो वो विजिबल एफर्ट करंट अफेयर में जो भी होता है, जो भी न्यूज़ आती है,
उसको आपको पेपर वन के कॉन्सेप्ट से लिंक करना है पेपर टू में, वो कहाँ पे है। जैसे अगर वॉल्केनिज्म पे क्वेश्चन आता है, इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो या पैसिव वॉल्केनो या वॉल्केनिज्म के पे आता है, तो आप इसमें हमेशा ये लिखोगे कि क्यों हो रहा है। जैसे यहाँ पे सी, इफ़ यू सी कि हिमालयाज में वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है, नाउ यू हैव टू गिव द रीज़न कि क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में कोलाइड कर रही है। अब ये जीएस का बंदा नहीं लिखेगा, ठीक है, नॉन ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो एस्पिरेंट है वो ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखेगा, बट यू हैव टू राइट इट कि हिमालयाज अर्थक्वेक प्रोन है बट वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है, बट वी सी द बेरन आइलैंड, वी सी द नारकोडम आइलैंड जो पैसिव वॉल्केनो है हमारा, और बैरन आइलैंड हमारा एक्टिव वॉल्केनो है। सो व्हाई इट इज़ देयर, ऑन विच बाउंड्री इट इज़ देयर, वहाँ पे क्यों है, तो वहाँ पे आप सबडक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में पिंगल अप करना होता है। इसके अलावा कुछ मैगजीन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिफर टू ज्योग्राफी एंड यू, डाउन टू अर्थ, योजना, कुरुक्षेत्र। नाउ ये मैगजीन्स अच्छी हैं बट आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है इनमें, हमेशा देखो कि टॉपिक क्या है। जैसे योजना में मान लो कि कहीं से एक रूरल इकोनॉमी का टॉपिक पे पूरी योजना की एक कॉन्सेप्ट निकाला है इन्होंने, पूरी मैगजीन उसी पे निकाली है, तो अब आप देखो कि अच्छा रूरल इकोनॉमी में यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ लुक एट द इंडेक्स, इस इंडेक्स में इन्होंने कुछ आर्टिकल दिए होंगे, 7 या 8 आर्टिकल दिए होंगे, उन आर्टिकल का टाइटल पढ़ो, आप देखोगे कि उनमें से काफ़ी सारे 2 या 3 आर्टिकल ऐसे होंगे जो सेम कॉन्सेप्ट पे होंगे बट डिफरेंट केस स्टडी को लेकर बनाए गए होंगे। अब आपको उनको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमेशा दिमाग में ये रखो कि 250 शब्दों में मुझे आंसर लिखना है, तो मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन मैं एक टॉपिक की मिल रही है ना, मुझे इसको 250 शब्दों में ही कंसोलिडेट करना है। और मैं आज जो पढ़ रहा हूँ वो मैं जब मेंस लिखूंगा सेप्टेम्बर अक्टूबर में, तब तक मुझे इतना याद नहीं रहेगा, तो आई हैव टू कीप माई नोट्स वेरी कंसाइज, आई हैव टू फोकस ऑन की वर्ड्स एंड आई हैव टू फोकस ऑन 1 और 2 केस स्टडीज़। पूरी बुक आप याद नहीं रख सकते हो, पूरी बुक का आप रिविजन नहीं कर सकते हो, आप योजना भी पढ़ोगे उसको अंडरलाइन करोगे हाईलाइट करोगे फिर सोचोगे कि मैं रिवाइज करूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लुकिंग एट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ लिबर्टी, दैट मच ऑफ टाइम कि आप ये सारी किताबें बार बार रिवाइज कर सको, और रिवाइज नहीं करोगे तो एट द टाइम व्हेन यू हैव टू राइट द आंसर आपको वो रिकॉल नहीं होगा। सो द बेस्ट ऑप्शन इज कि योजना कुरुक्षेत्र में टॉपिक उठाओ, इंडेक्स देखो, देखो कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, उसको एक एक पेज में लिख लो। अब इसमें आपका GS 1 के टॉपिक कवर होंगे, 2 के टॉपिक कवर होंगे, 3 के टॉपिक कवर होंगे, और उसके साथ में आपका ऑप्शनल का टॉपिक भी कवर होगा, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू विद ऑल द मैगजीन्स। डू नॉट इन्वेस्ट टू मच टाइम इनटू दैट, क्योंकि इनका कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी कम होता है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ अवर वीडियो इज रिविजन प्लान। रिविजन कैसे करें, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो, जो पिछले के 15 सालों के क्वेश्चन को आपको टॉपिक वाइज दे देगा, बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी परचेज कर लो। अब इसके साथ में आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे, जब भी आप पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया था कि अगर आपने किसी कोचिंग के नोट्स भी लिए हैं उसमें अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक के नोट्स को इंक्लूड कर रहे हो, तो यहाँ पे ना या तो छोटे स्टिकर में चिपकाते रहो, या फिर इसको भी और ज़्यादा कंसोलिडेट करने के लिए एक अलग से कॉपी बना के इसको थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करते रहो, ताकि आप फटाफट से, अब क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम होता है या 5 दिन की जब ऑफ मिलता है तो उसमें आप ऑप्शनल को 5 बार रिवाइज कर सकते हो, कीप डूइंग दैट। एंड देन ज्योग्राफी इज़ नॉट ऑल अबाउट द थ्योरी एंड कंटेंट, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को जो यूनिक बनाता है वो होता है यूजिंग द मैप्स, द डायग्राम्स, द फैक्चुअल थिंग्स। सो आप मैप की प्रैक्टिस करते रहो, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप की, साथ में स्टेट्स की भी, डायग्राम्स भी आपको रिवीजन में जब करोगे तो डायग्राम्स भी आपको बार बार बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए आपको इतना टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे, यू वॉन्ट हैव कि मैं 1 मिनट 2 मिनट लूँ और मैं उसमें पूरा अच्छे से डायग्राम बनाऊँ, इतना टाइम लगाया तो फिर ऑप्शनल का पेपर छूट जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्विक, वेरी फास्ट, एंड दैट विल कम ओनली एंड ओनली वेन यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, एंड देन यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ आंसर्स। जितना आंसर लिखोगे उतना ही ऑप्शनल में क्लियरिटी मिलता जाएगा, उसको खुद को पढ़ो। समटाइम्स यू कैन बी योर ओन टीचर, आप एक्टिव रिविजन टेक्निक फॉलो करो। एक्टिव रिविजन टेक्निक में क्या होता है कि अज्यूम कि यू आर टीचिंग एन इनविजिबल पर्सन और कीप समबडी, लाइक अपनी फैमिली में से किसी को बिठा लो। मोस्टली वॉट आई यूज टू डू, दिस माइट साउंड अ लिटिल फनी टू फ्यू पीपल, बट एक्टिव रिविजन टेक्निक इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, जिससे मेरा इकोनॉमी एंड मेरा ऑप्शनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। एक्टिव रिविजन टेक्निक में आई यूज टू जस्ट, आई हैड अ सॉफ्ट टॉय, तो आई जस्ट यूज टू कंसिडर दैट दैट सॉफ्टवेयर इज माई स्टूडेंट एंड आई वुड टीच दैट
कि अच्छा आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा तो ये समझ में आया, अच्छा चलो इसको क्विकली रिवाइज करते हैं, कैन यू मेक अ डायग्राम, यू नो लाइक आई एम बीइंग द टीचर एंड दैट समबडी इज समथिंग इज बीइंग माई स्टूडेंट, सो आई फॉलो द एक्टिव रिविजन टेक्निक. और उसके बाद में जो भी चीज़ मैंने पढ़ी एक्टिवली रिवाइज करी उसी के बेसिस पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूंगी और उनको मैं लिखना स्टार्ट करूंगी. मैंने एक लिखा मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने उसे काटा, फिर मैंने वापस लिखा. आई नो इनिशियली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और आपको लगता है कि यार इतना टाइम लगता है क्या, लेट इट टेक द टाइम राइट नाउ रेदर देन इट टेकिंग द टाइम इन द फाइनल एग्जाम. अभी मिस्टेक्स कर लो, अभी उस पेपर को काट लो, अभी इस आंसर को 10 बार लिख लो, लेकिन जब फाइनल में लिखोगे तो एक परफेक्ट आंसर जाएगा और जिस पे एग्जामिनर खुश होकर सबसे अच्छे मार्क्स देगा. तो मेक ऑल द मिस्टेक्स राइट नाउ, कीप टेक ऑल द टाइम. एक आंसर को आपको लगता है परफेक्ट करने में मुझे टाइम, स्पीड सुधर जाएगी, लेकिन कंटेंट को कंसोलिडेट करके पेपर पे कैसे उतारना है इसमें टाइम लगेगा इनिशियली. सो डू नॉट बी स्केर्ड ऑफ दैट थिंग कि टाइम लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अच्छा आंसर नहीं लिखा. देर इज़ नो सच थिंग एज गुड आंसर, देर इज नो सच थिंग एज द परफेक्ट आंसर. यू ओनली मेक इट बेटर ईच डे वेन यू प्रैक्टिस इट. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट अलॉट, यू हैव टू ब्रेक द इनर्शिया कि मैं पहला आंसर कैसे लिखूँ. लिखो ना, जितना भी गंदा आंसर लिख सकते हो लिखो, कौन चेक करने वाला है, कोई है क्या जज, कोई जज नहीं बैठा है वहां पे. लिखो, काट के फेंक देना, जला देना, उसको डस्टबिन में डाल देना, वापस लिखना एक और अच्छा आंसर लिखना, वो भी नहीं अच्छा लगे उसको भी फेंक देना, एक और अच्छा आंसर लिखना. डू इट, यू विल बिकम बेटर ओनली एंड ओनली वेन यू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस इट. देर इज नो अदर वे, नो वन इन द होल वर्ल्ड कैन टीच यू हाउ टू राइट आंसर इफ यू डोंट राइट इट योर सेल्फ. ऑन दैट नोट, वेरी सून वी आर स्टार्टिंग एन आंसर राइटिंग सीरीज ऑल्सो. अब ये आंसर राइटिंग सीरीज जो हम ओनली आई एस पे स्टार्ट करेंगे, इसको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, अज्यूमिंग कि यू नो नथिंग अबाउट आंसर राइटिंग, अज्यूमिंग कि आपको क्वेश्चन अभी बस समझ आया है. तो हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और उसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे. एंड वी विल सॉल्व इट, आई विल गिव यू द मॉडल आंसर्स रिटन बाई मी, एंड वी विल ऑल्सो सी कि हाउ यू फॉलो इट, जस्ट फॉलो दैट आंसर राइटिंग. अगर नहीं भी हो रहा है ना तो धीरे धीरे उसको देख के लिखना स्टार्ट कर देना. वी आर स्टार्टिंग इट इन फ्यू डेज, सो यू कैन स्टार्ट इट विद मी, राइट इट विद मी, वी विल डू इट एवरी डे. ठीक है, सो दैट इज़ फॉर द रिविजन प्लान. एंड आंसर राइटिंग के लिए भी मैंने आपको बता ही दिया कि वॉट यू कैन डू, स्टार्ट राइटिंग. कोई नहीं, कोई नहीं देखने वाला है, किसी को बताना ही मत कि आंसर लिख रहे हो क्या. खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बनो, जब खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाओगे तो द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट प्रेजिंग यू कि अच्छा लिखा है. सो ऑन दैट नॉट, वी आर ऑल्सो हैविंग द ज्योग्राफी फाउंडेशन कोर्स ऑन ओनली आई एस. कोर्स का लिंक आपको सब नीचे डिटेल्ड बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अदरवाइज आप video.onlyias.com पे जाके भी कोर्स को चेक कर सकते हो. इसमें कुछ सैम्पल लेक्चर्स हैं हमारे, टोटल लगभग 250 प्लस आवर्स का कोर्स है. और पूरा कोर्स इस तरीके से पढ़ाया गया है कि आपकी डे टू डे लाइफ से एग्जांपल लेके इस कोर्स को इतना सिंप्लीफाई करा गया है कि आपको आधे रात को भी उठा के कोई पूछ लेगा ना कि मुझे बताओ कितने तरीके की बाउंड्रीज होती हैं, फॉल्ट कैसे क्रिएट होता है, पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे टफेस्ट क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या था, कैसे बना, आगे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, एवरीथिंग आपको रात को कोई 2 बजे भी उठा के पूछेगा, यू कैन आंसर आंसर इट, क्योंकि इतनी सिंपल लैंग्वेज में ये कोर्स बनाया गया है. नाउ फ्यू पीपल से कि यू हैव टू यूज़ हाई फाई वोकैबुलरी, यू हैव टू यूज़ वेरी टफ लैंग्वेज. यू डोंट हैव टू, यू जस्ट नीड टू सिंपली टेल द यूपीएससी एग्जामिनर कि आई नो दिस कॉन्सेप्ट, I might not be using a high-five vocabulary, but I know what it is and I'm writing it very nicely. So that is the main funda. So geography optional का foundation course है, you can join it anytime. We have started it and इसके online classes हैं, तो आप कितनी भी बार देख सकते हो, कितनी भी बार revise कर सकते हो. इसके साथ में हम कुछ current affair के videos भी इसमें include करेंगे, mapping videos भी I'll include that. So you can see that. Well, that is it from our side. If you have any queries, आपको कहीं help चाहिए तो please write us. ओनली आई एस जियोग्राफी एट द रेट gmail.com पे. अगर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे हो, इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन शूट एट मी, क्वेश्चन शूट द क्वेश्चन एट मी लिटिल अंडरस्कोर सिंपल अंडरस्कोर बुद्धा पे. टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वेर वी विल कीप अपडेटिंग. और एनी वेज जो हम आंसर राइटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन एंड आंसर जो हैं वो हम टेलीग्राम में पोस्ट करते जाएंगे. ठीक है, वेल दैट इज इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मेल अस, राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल सी यू गाइज वेरी सुन. बाय बाय. जय हिंद.